अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। जैसा कि लास्ट डायरी में आपने देखा था कि हम ईद करके वापस अपने घर कराची आ गए थे, और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि फ्रेंड्स के साथ कैसे ईद हुई हमारी। पर सबसे पहले मैं अपनी खुशी आप यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट लिया था और मुझे यूट्यूब ने स्पेशल कांग्रेचुलेशन किया, तो ये आप लोगों के बगैर नामुमकिन था। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं 1000 सब्सक्राइबर पे भी पहुँच जाऊँगी। और अब बस मैं तैयार होकर अपनी फ्रेंड की तरफ निकल गई। मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आई थी। ये इकबाल की पोएट्री मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो विस्प पैदा कर, जहाँ से इश्क चाहता है वहाँ तक नाम पैदा कर। अगर सच्चा है मेरे इश्क में तो ए बनी आदम, निगाह इश्क पैदा कर, हुस्न ज़र्फ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा चाहूँगा, मगर शर्त यह है कि अपने अंदर मेरी जस्तजू तो पैदा कर। अगर ना बदलूँ तेरी खातिर हर चीज़ को तो कहना, तू अपने आप में पहले अंदाज़े वफा तो पैदा कर। तो हम यहाँ पे अभी पहुँच चुके थे कोकोनट ग्रव रेस्टोरेंट। ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, बहुत मुश्किल से हमें टाइम मिला, तो हम यहाँ पे बैठ गए और डिनर का इंतज़ाम किया हमने। ये हमारी ईद मिलन पार्टी थी। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था और बहुत ही ज़बरदस्त स्टेज था। अगर मेरी फ्रेंड देख रही है ये व्लॉग तो स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी उसको, खैर इस तरह 2 से 3 घंटे एक साथ टाइम स्पेंड किया, बातें की और बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं हर रिश्ते को अहमियत देती हूँ, फिर वो फैमिली हो या फ्रेंडशिप हो। ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात वही हैं जो आपने खुद के साथ गुजारे होते हैं, क्योंकि इनमें कोई मिलावट, कोई फरेब, कोई दिखावा नहीं होता। आप खुद पर की गई थोड़ी सी तवज्जो से भी मुतमिन हो जाते हैं। खैर बहुत पुरसकून माहौल था, तो ये हमारा बिल आया था जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस थी, और बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर आप कराची आएँ तो एक बार ज़रूर आना, आप बहुत इंजॉय करेंगे, और वहाँ का माहौल बहुत पुरसकून माहौल था। दुनिया में 90% इंसान एक पिंजरे में कैद हैं, जिस पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। खुदारा इस पिंजरे से खुद को आज़ाद करके देखें, यकीन करें लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है, तो आप खुद ही चिराग बन जाएं। जब आपका हेयर स्टाइल अच्छा बना हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। और अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। इतना अच्छा डिनर हुआ कि हमेशा यादगार रहेगा। थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए, उसके बाद हम निकलने लगे। हमारी आउटिंग और भी ज़्यादा खुशगवार हो गई जब अल्लाह की तरफ से बारिश की रहमत बरसी। मैंने सुना है जब बारिश हो तो दुआएं मांगना शुरू करें, वो दुआएं रद्द नहीं होती। उम्मीद जब अल्लाह से जुड़ी हो तो टूटने का इम्कान नहीं होता। ए अल्लाह, मजबूर लोगों की मजबूरियाँ ख़त्म कर दे, अपनी रहमत के सदके हर घर में खुशियों की बारिश कर दे। जो परेशान हाल हैं और अपनी परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए मेरे अल्लाह, जो हमारे हक में बेहतर है बस वो अता फरमा, और जो नहीं बेहतर उसकी सोच से भी महफूज फरमा। अगर अल्लाह ने वो लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। बारिश यहाँ पे बहुत तेज़ हो गई थी। खैर इसी तरह हमने बारिश में और भी ज़्यादा एंजॉय किया था, और ये आज की डायरी मेरी दोस्तों के नाम है। तो इस तरह हम कभी कभी दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करना, अगर हो सके तो कमेंट्स भी ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स से और ज़्यादा खुशी होती है और अच्छी मोटिवेशन मिलती है। और जब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो मैं आपके कमेंट्स स्क्रीन पर भी शो करती हूँ, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दूंगी जिन्होंने स्पेशली मुझसे सवाल किए हुए हैं, तो उनकी मैं वीडियोस अलग बनाऊंगी। तो
बस इस व्लॉग को करते हैं एंड। यहाँ मेरी दोस्त मुझे ड्रॉप करके गई। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डायरी व्लॉग में, और तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।